निकाह सादा करके करया करो। जितना सादा करोगे, हुजूर दी हदीस पाक है, अच्छा निकाह वो है जिदे ते सब तू थोड़ा खर्चा हो। रसूलुल्लाह दी हदीस क्या है कि अच्छा निकाह हो जिदे उते सब तू थोड़ा खर्चा हो। तो आप निकाह नो ज्यादा खर्चीला ना बनाओ, निकाह दे खर्चे घट रखो ताकि ये आसान होवे और मुसलमानों इहदे विच आसानी होवे। ऐ जिहड़ा तुसी इहदे विच फजूल याद करदे हो इसनू छोड़ दो, क्योंकि साडे इह मुआशरे विच इक चलन बन गया और इसनू तोड़ना बड़ा मुश्किल है। मगर अगर कुछ लोग इस दी तरफ चलोगे तो अल्लाह बाकियां नू हिदायत अता फरमा दे। लिहाजा खर्च करने दा यह कोई अच्छा तरीका नहीं कि असीं निकाह दे उत्ते बहुत ज्यादा खर्च करिए। अजीजम और निकाह रसूलुल्लाह ने फरमाया मसाजिद विच करया करो। हदीस मुस्तफा है कि निकाह मसाजिद विच करया करो। आप अपने निकाह मस्जिद विच करया करो। निक्किया हुंदिया मैं खुद देखिया है, उस वेले जंज जिथे भी बैठी होवे निकाह मस्जिद विच ही पढ़दे आ। लेकिन उन लोग और ज्यादा अल्ट्रा मॉडर्न हो के ज्यादा दीन तो दूर होने की वजह तो ये निकाह भी किसी और जगह पर करना पसंद करते हैं। इस वजह तो तलाक की शरह भी बढ़ गई है और घरेलू नाचाकियां भी बढ़ गई ने, क्योंकि असी हजूर दे दीन की असल तो दूर होते जा रहे हैं। दीन के नजदीक रहोगे तो भाई साहब नफे में रहोगे। ये फजूलियात छोड़ दो, अल्लाह आप ते राजी होगा।